नाइट देख लीजिए यहाँ, ये देख सकते हैं आप, लुक एट द ब्यूटी इन द नाइट, लुक एट द ब्यूटी। यहाँ पे इतने होटल, इतने रेस्टोरेंट, इतने बार हैं, मतलब उतने घर नहीं है जितने ये सब हैं, बार और ऑल दैट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 10:30 बजे हुए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं धामोस। हमारी ट्रिप लगभग ख़त्म होने वाली है, यहाँ से धामोस जाएंगे, फिर धामोस से सेम गाड़ी से हम लोग सोनाली बॉर्डर पहुँच जाएंगे, उसके बाद अपने वतन इंडिया। Love you zindagi, love you zindagi, love you zindagi, love me zindagi, दम्पुस जाने के रास्ते में रुक गए हैं। और यहाँ का व्यू देखिए, ये रही हमारी गाड़ी और मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से आप व्यू देखिए, और यहाँ देखिए आपकी हम कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। और अभी आधा रास्ता तय किया हमने, अभी 7 किलोमीटर है यहाँ से दम्पुस। और अब आइए चलते हैं उस तरफ, दूसरी तरफ। ये व्यू देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए अंदर लोग घर बना के रख रहे हैं, रह रहे हैं यहाँ पे। क्या व्यू है यार, आप आए तो नेपाल जरूर आए घूमने, पोखरा खास करके। ये देखिए, ये व्यू देखिए आप, क्या खूबसूरत नजारा है। अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, निकल जाते हैं। ऊंचाई पर हम चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं, बस बहुत मार। आज तो इतना फॉग है, देखो दिखता भी है कि नहीं। भीड़ दे सकते हैं, हर देश के लोग यहाँ आए हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। लेकिन मौसम आज अच्छा है नहीं, बहुत फॉग है, तो देखते हैं कुछ देखने लायक मिलता भी है कि नहीं है। यहाँ लोग जैकेट पहन पहन के आ रहे हैं और हम लोग तो वैसे ही आ गए हैं, बड़ी ठंड है भाई यहाँ पे तो। और कम से कम हम लोग 1.5-2 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं टूरिस्ट को यहाँ पे। वैसे तो हम भी टूरिस्ट ही हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लग रहा फंक्शन चल रहा है नीचे, लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ये तो बताएंगे, ये तो पानी की टंकी होगी ना। हाँ पे लिखा है वेलकम टू अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया। हम लोग आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस एक्साइटिंग आगे। ये देखिए ये पार्क है। यहाँ पे आज बहुत फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, वरना यहाँ से हम हिमालय आराम से सीधे से देख सकते थे। आप यहाँ का मौसम देख लीजिए, आज हमारी किस्मत खराब थी, अगर फॉग ना होता तो पूरा हिमालय यहाँ से देखना, पूरा देख सकते थे, लेकिन आज हमारी किस्मत गड़बड़ है। और आप इनसे मिलिए, ये हैं इंडियन रिटायर्ड ऑफिसर बटालियन 19 के, और यहाँ ये नेपाल के ही हैं, और ये बता रहे हैं हमें कि कैसे क्या है। यहाँ पे फॉग अगर नहीं होती तो चारों तरफ हिमालय दिखाई पड़ता, लेकिन आज फॉग है, किस्मत खराब है, काफी ठंडी है यार, हालत खराब है। इन अंग्रेजों को लेकिन ठंडी नहीं लगती है, देखिए कहाँ तक चढ़ते जा रहे हैं, थक भी नहीं रहे हैं। जब किस्मत खराब हो ना तो फॉग ढक लेता है, हिमालय भी नहीं देखने पाओगे। और यहाँ हम लोग ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ दिख रहा नहीं है क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है। और वो जो हमें एक्स आर्मी मिले ऑफिसर मिले थे, वो बता रहे हैं कि आगे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलियन कैंप है, फिर उसके आगे जाएंगे तो पोथना मिलेगा, लेकिन देखते हैं 10-5 मिनट और आगे जाएंगे बस, उसके बाद वापस।
ये है ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ से अगर एक दिन चलते रहें तो हम माउंट एवरेस्ट तक पहुँच जाएंगे। लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ है हम लोग की, वो देखिए मेरे भाई सफ़ेद शर्ट में थक के लाचार होके बैठ गए हैं। और यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है, तो सबसे बेहतर काम यही है कि वापस चले गाड़ी पे और गाड़ी से चले घर। बारिश के कारण यहाँ पे ठंडी बढ़ती जा रही है और फटाफट गाड़ी में पहुँच जाए, बस टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जा रहा है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। मूड ऑफ, ये व्लॉग तो बेकार हो गया, जो देखने आए थे वो देख ही नहीं पाए फॉग की वजह से।